करण के साथ कॉफी पर की गई सेक्सियस नक्सलवादी और भ्रामक टिप्पणियों के बीच कड़ी आलोचना के केंद्र रहे हैं, जहां इस जोड़ी को ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ पूरे न्यूजीलैंड दौरे के दौरान एक दिवसीय श्रृंखला से बाहर कर दिया गया था। वहीं पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने आलोचकों से ओवर रिएक्ट नहीं करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त लोकपाल के रूप में जाना जाने वाला सजा के पूर्ण सीमा के साथ यह केवल अंतरिम निलंबन है। इस मामले में अंतिम निर्णय पर विचार करना जरूरी है, इसलिए क्रिकेटरों को पहले ही 3 मैचों की अवधि के लिए ऑन फील्ड कार्रवाई से बाहर कर दिया है और यह कम से कम श्रृंखला अधिक होगी। इससे पहले वे फिर भारत के रंगों में दान करते हुए दिखे जा सकते हैं। द्रविड़, जो वर्तमान में भारत अंडर 19 और इंडियन ए टीमों के मुख्य कोच हैं, ने जोड़ी की टिप्पणी के बारे में उन चीजों को दूर न ले जाने के लिए कहा है, क्योंकि यह पहली बार गलतियां नहीं हुई है और यह नहीं होगा आखिरी भी हो। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि खिलाड़ियों ने अतीत में गलतियां नहीं की है, ऐसा नहीं है कि युवाओं को शिक्षित करने के हमारे सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद भविष्य में गलतियां नहीं होगी। अंडर 19 और इंडिया ए क्वाड में युवाओं को सलाह देने के लिए जिम्मेदार 46 वर्षीय ने खिलाड़ियों को उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझने के महत्व पर प्रकाश डाला और उन्हें इसकी कीमत समझने में प्रतिबंध की भूमिका। उन्होंने कहा, खिलाड़ी अलग अलग टीमों से आते हैं और जिम्मेदारी की उनकी भूमिकाओं को संबोधित करने की जरूरत होती है। मुद्दे हमेशा होंगे और हमें शिक्षित और मार्गदर्शन करना होगा। उन्हें बताया जाना चाहिए कि वे सिस्टम का दुरुपयोग ना कर सके। मैंने कर्नाटक में सीनियर्स को माता पिता और कोच से देखना सीखा, वे मेरे आदर्श थे। किसी ने मुझे नहीं बैठाया और मुझे व्याख्यान दिया, मैंने देखा और सीखा। सीखने की सबसे अच्छी प्रक्रिया ड्रेसिंग रूम में आपके सीनियर से होते हैं, लेकिन हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लोग अतीत में भूल जाते हैं कि घटनाएं भी हुई हैं। आज यह अधिक उजागर हो गया, लेकिन मैं मानता हूं कि हमें उन्हें सलाह देते रहने की जरूरत है, उन्हें शिक्षित करना, क्योंकि आज चुनौतियां अलग है और मैदान से दूर है। उन्हें भारतीय क्रिकेटरों के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को याद रखना होगा। यह सब कुछ पहले नहीं था और आज सब कुछ खराब है। पूर्व खिलाड़ी अनिल कुंबले, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र अमरनाथ, बीबीएस लक्ष्मण और बीसीसीआई के अधिकारी रत्नाकर सेठी ने कुछ मामलों पर अपने विचार व्यक्त किए, जिन्हें बोर्ड द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है। सीओए प्रमुख विनोद राय ने खेल को प्रदान करने वाले सुर्खियों और ध्यान से दूर होने से पहले सही तरीके से युवाओं को संवारने की जरूरत को स्वीकार किया। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि मेरी हर नई अपडेट्स की जानकारी आपको